जीरम शबे भी? वो तबस्सुम मामूजान का कमरा नहीं साफ किया आज। किसके कमरे की सफाई रमशे बीबी? मामूजान के कमरे की। मेरी बात सुने आप दोनों, आज से रोजाना मामूजान के कमरे की सफाई होगी। जो चीज जहां रखी है वो चीज वहीं पे रखी रहेगी। और बशीर भाई, आप हर एक चीज की रोजाना सफाई करेंगे, डस्टिंग करेंगे। कमरा जैसे पहले था ना, कुल वैसे ही रहेगा। इस चीज का ख्याल आप दोनों ने रखना। जी बेटा। जी ठीक है। आप ये सब करके डैड की रूह को भी सुकून नहीं पहुंचा रही, उन्हें तकलीफ दे रही। क्या कर रही हो मेरे डैड के रूम में? जान की याद आ रही थी इसलिए आप आ गए। डैड याद आ रहा? भूल गई होगी। कि आज अगर मेरा जीता जागता बाप इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। मैं देखता हूं ना तो मेरी आंखों में खून उतर आता है। ऐसे लगता है जैसे मेरी बाप की कातिल खड़ी है। दिल चाहता है तुम्हें मार दूं। मैं उतनी अजीत पूछती हूं पल पल मेरे बाप को दी और इस दुनिया से भेज दी। गला दबा के तुम्हारी जान लेने का दिल चाहता है मेरा। ठीक है ना, दबा दे मेरा गला, ले ले मेरी जान, ताकि इससे आपकी भी अजियत खत्म हो और मेरी भी अजियत। क्योंकि आपके ये अल्फाज मुझे पल पल मार रहे हैं अफनान। आप एक ही दफा मुझे खत्म कर दे ताकि मैं भी सुकून में आऊं और आप भी सुकून में आ जाए। मार दे मुझे, मारे अफनान। रमशा को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं बेटा। बच्ची के मामले में अल्लाह से डरना। खुदा अब खासा उसे कुछ हुआ क्या? चली जाओ यहां से, चली जाओ। मुझे डर है कि कहीं इस गुस्से में मेरे हाथों से कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके बाद एक दफा फिर मुझे पछताना पड़े। काश काश कि आप ऐसा कर पाते। अगर अफसोस हर दफा की तरह इस दफा भी आप बहुत देर कर देंगे। साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला। धोखा मुझे यार से मेरा,
बात सुनो, इस वक्त अफगान घर पर नहीं है, बेहतर यह है कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। अगर तुम नहीं गई ना तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से धक्के देके तुम्हें बाहर निकालूंगी। और यकीन करो, इस घर में मुझे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। आप मुझे क्या इस घर से निकालेंगी? मैं खुद ये घर छोड़ के जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। आवाज नीची करके बात करो मुझसे। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी इस घर में औकात क्या है। शायद आप ये बात भूल रही हैं कि अगर मैंने सबके सामने सच बता दिया ना और सबको आपकी औकात बता दी तो इस घर में आपकी औकात सिर्फ 2% की रह जाए। रमशा, अपनी जबान और अपने हाथ को काबू में रखिए। वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे मोहसिन की बहन हैं। अगर आज मैं आपका लिहाज कर रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ मामू जान की वजह से, वरना आप इस काबिल नहीं कि आपका लिहाज किया जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस लड़की की अकड़ नहीं निकली। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे बदतमीजी करने की? छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। सुनो, छोड़ दो अभी फिलहाल। वो वैसे भी आज जा रही है और मैं नहीं चाहती हूं अलीजे उसके जाने से पहले कोई तमाशा। आ गई, वेरी गुड। अच्छा है कि तुम इस घर से खुद जा रही हो। वरना तुम्हें हाथ पकड़ के निकालते तो मजीद जिल्लत महसूस होती। जिल्लत तो अब तुम महसूस करोगे और वो भी बहुत जल्द। जब मैं तुम्हें गुनहगार साबित करूंगी ना तभी मेरे दामन पे लगे दाग धुलेंगे और उनके छींटों से ना तुम दोनों खुद को नहीं बचा पाओगे। जा रही हूं मैं इस घर से, मैं इस घर से जा रही हूं अली से। लेकिन मैं इस घर में वापस जरूर आऊंगी और ये साबित करूंगी कि मामू जान ने मुझ पर जो भरोसा और एतबार किया था उसे मैंने कभी नहीं तोड़ा। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर जो मुझे बदनाम साबित करने की कोशिश की थी ना उसको मैं गलत जरूर साबित करूंगी। और मामू जान की मौत की जिम्मेदार मैं।
मैं नहीं, तुम दोनों हो, ये साबित जरूर करूंगी मैं। ऐसा कभी नहीं होगा रमशा। ऐसा जरूर होगा, मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। वो कब, कैसे और किस तरह से इसको साबित करेगा मैं नहीं जानती। लेकिन तुम देखना, अल्लाह जरूर साबित करेगा कि मैं बेगुनाह हूं। रमशा, कहाँ जा रही हो तुम? ये घर छोड़ के जा रही हूँ। छोड़ दो, कहीं नहीं जा रही तुम। अफनान, कहीं नहीं जाओगी, वापस अंदर आओ। अफनान, क्या मैं कह रहा हूँ, वापस अंदर आओ। क्या जबरदस्ती अफनान, मेरा बैग दे दे। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही। क्या जबरदस्ती अफनान, क्यों नहीं जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम यहाँ आ जाओगी, जब दिल चाहेगा चली जाओ। और जब तुम जाने की बात करोगी तो मैं तुम्हारी मिन्नतें करके तुम्हें रोकूंगा कि प्लीज मेरा घर छोड़ के मत जाओ। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद भी नहीं है अफनान। बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या जबरदस्ती अफनान? है जबरदस्ती। ये वही जबरदस्ती है जो बहुत अरसा पहले डैड ने मेरे साथ की थी, और वही जबरदस्ती का वादा है जो उन्होंने मुझसे लिया था कि मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूं। आप मुझे इस घर में कैदी बनाकर नहीं रख सकते। आपको बहुत शौक है ना हुक्म चलाने का, तो अपनी बीवी पे चलाएं, मुझ पे नहीं। मेरी इजाजत के बगैर तुम यहां से कदम बाहर नहीं निकालोगे। यही रहूंगी, अब इसे जबरदस्ती समझो या कुछ और, ये मेरा आखिरी फैसला है। और आप दोनों भी कान खुलकर सुन ले मेरी बात।
रमशा अब इसी घर में रहेगी, यहीं रहेगी। कहीं नहीं जाएगी ये, जब इसका भी घर। अफनान, ये क्या है सब? अगर रमशा इस घर से जाना चाह रही है तो जाने दो ना भाई। क्यों तुमने उस लड़की की वजह से खुद को और इस घर को डिस्टर्ब किया हुआ है? अफनान, तुम देख नहीं रहे हो, जब से वो लड़की इस घर में आई है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो कहती हूं कि उसको ना धक्के देकर इस घर से बाहर करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे हाथ बंधे हो। मेरे हाथ बंधे हुए उस वादे से जो डैड ने जाने से पहले मुझसे लिया था। तुमने मुझ पर यह जिम्मेदारी डाली थी कि मैं रमशा का हमेशा ख्याल रखूं। अलीज़े को समझाइए। मैं डैड से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। साहब मोहब्बत बहुत करते हैं तुमसे। अच्छा, तो तस्दीक करने तुम्हारे पास पहुंच गया। क्योंकि मोहब्बत बदगुमान होती है उरुज। अगर तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है तो फिर तो इस मौजू पर बात करना ही बेकार है। उरुज तरजीहात से मोहब्बत का पता चलता है और तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पहला नहीं। महरीन आंटी की इस मुसलसल तकरार ने हमारे दरमियान यकीन को खत्म कर दिया है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। सर आज आप ऑफिस नहीं आए? मैंने कितनी देर आपको ऑफिस में इंतजार किया। असल में इन फाइल्स में आपके सिग्नेचर बहुत जरूरी थे, इसलिए मैनेजर साहब ने मुझे आपके घर भेज दिया। Thank you.
सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्यों? सर वो आप बगैर पढ़े डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करते, इसलिए पूछ रहा हूँ। आज आपने बगैर पढ़े साइन कर दिया। मैं जो भी करूँ ये तुम्हारा मसला नहीं होना चाहिए, अपने काम से काम रखो। ओके सर। सरो? जी सर। शादी हुई भी है तुम्हारी? जी नहीं सर। क्यों? सर आप तो जानते ही मेरी आमदनी, ऊपर से आजकल इतनी महंगाई, इसमें मेरा अपना ही गुजारा हो जाए सर बड़ी बात है। सर आजकल तो लड़के वाले नहीं बल्कि लड़की वालों की भी काफी डिमांड बढ़ गई है। इन हालात में एक मामूली जॉब करने वाले से शादी कौन करेगा? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक लड़की ऐसी है जिससे तुम्हारी शादी कराई जा सकती है तो तुम करोगे उससे शादी? जी सर। मैं चाहता हूं तुम रमशा से शादी करो। जी, रमशा बीबी जिन्हें बड़े साहब ने अपनी बेटी बनाया था? हाँ वही। अपनान खाना लो ना, खाना ठंडा हो रहा है। अफ़नान, खाना ठंडा हो रहा है, खाना लो ना। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो मुझे। कोई भी बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। नहीं कुछ नहीं है। अरे क्या बात है, अफ़नान मुझे परेशान लग रहा है। मैंने नोटिस किया है वो कुछ सोचों में उलझा रहता है। आई एम श्योर तुमसे कुछ डिस्कस किया होगा उसने। नहीं मामा, मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताती। तुम किस किस्म की बीवी हो वलीजे? तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि तुम्हारा शौहर क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्यों परेशान है। कुछ इंटरेस्ट तो शो करो। तो मैं क्या करूं मामा? अगर अफ़नान मुझसे कोई बात नहीं शेयर करना चाहता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? क्योंकि तुम उसकी बीवी हो। इसके बावजूद भी तुम दोनों में इतनी दूरियां हैं क्योंकि तुमने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना करियर, अपना लाइफस्टाइल, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करती हो। अपने शौहर पे कभी फोकस किया है? बिकॉज़ यू डोंट केयर। एक तो आप हर बात पे मेरे करियर को बीच में क्यों ले आती हैं? अब वो मुझसे नहीं शेयर करना चाहता, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप खुद बताएं ना, एटलीस्ट मुझे खाना तो सुकून से खाने दे। रमशा, मेरी अदील से बहुत तफसील से बात हुई है। वो तुमसे शादी करने के लिए राजी है। तो
और फिकर नहीं करूं, मैंने उसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन की है। बहुत शरीफ लड़का है, कोई बुरी आदत नहीं है उसको। तुम मुझसे शादी करके बहुत खुश रहोगी। आपको किसने हक दिया मेरी जिंदगी के फैसले करने को? आपने ये कैसे सोच लिया कि जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी? ये सब मैं खुद नहीं कर रहा हूं अनुषा। मेरे मरते हुए बाप ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मैं आपके मुंह से ये बात सुन सुन के थक चुकी हूँ। अफनान, आज से मैं अपनी जिम्मेदारी से आपको आजाद करती हूँ। खुदा का वास्ता है कि आप भी मुझे आजाद कर दें। तुम्हें आजाद कर दूं? तुम्हें, जिसे अपनी आजादी को इस्तेमाल करना नहीं आता, जो अपनी आजादी का हमेशा नाजायज फायदा उठाती है। सर अफनान, मेरी जिंदगी के मामलात में ना इंटरफेयर करना बंद कर दे। मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने दे, ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मुझे शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी के मामलात में बोलने का, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी कहां आती है रमशा? तुम्हें सही फैसले लेने ही कहां आते? अगर तुमने सही फैसले लिए होते ना, आज मेरा बाप जिंदा होता। मार दिया तुमने मेरे बाप। अरे तुमने ढंग से जिंदगी गुजारी होती ना, तो आज तुम यहां नहीं अपने घर खड़ी होती, आज मेरा बाप जिंदा होता और आज मुझे तुमसे इतनी नफरत ना होती। अल्लाह खैर करे। मामा, ये किस चीज की आवाज आई है? था नहीं, कुछ टूटने की आवाज आई है, आए देखते हैं। तुमने मुझे और अपने आप दोनों को आजमाइश में डाला है रमशा। आज ये सब ना होता। रमशा, 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 मेरी बात सुनो, रुको। मैं गारंटी ले तो रहा हूं उस लड़के की, फिर क्या प्रॉब्लम? पर देखो, अगर तुम्हें अदील से शादी नहीं करनी है, किसी और लड़के से करनी है, कोई है तुम्हारी नजर में, तो जवाब दो ना। यार अब बुद्ध बने क्यों खड़ी हो, जवाब दो। अफनान कुछ पूछ रहा है ना तुमसे, जवाब दे दो भाई। अलीजे, इसको लेके जाओ यहां से। जब तक ये यहां खड़ी रहेगी ना, अफनान को उतना ही गुस्सा आता रहेगा। लेके जाओ इसको। अगर तुम मजीद इस घर में रही ना रमशा, तो हम सब पागल हो जाएंगे। मामा को तो तुम ब्लड प्रेशर का पेशेंट बना ही चुकी हो।
और अफनान वो भी दिन ब दिन तुम्हारी वजह से बीमार पड़ता जा रहा है। तुम चाहती क्या हो आखिर हम सब से? फॉर गॉड्स सेक रोना बंद करो। हीट हो तुम, मामू जान तुम्हारी वजह से इस दुनिया से चले गए। तुम क्या चाहती हो? हम सब भी मर जाएं तुम्हारी वजह से? कोई एहसास नहीं है। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। I selfish look। हो हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने, हो रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने। सुने, छाप से बात करनी है। बोलो। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक पल के लिए मुझे लगा था जैसे तुम्हें मेरी परेशानी की फिक्र हो रही है। इसलिए मेरी बात मान रहे। अच्छा हुआ चंद लम्हों में ही तुमने मेरी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दी। पप्पू सही कहती हैं, तुम जैसी लड़कियों के लिए जिंदगी में रिश्तों की नहीं शर्तों की अहमियत होती है। खैर अब क्या चाहिए तुम्हें बताओ, क्या शर्त? मेरे इस घर से जाने के बाद आप कभी भी मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मेरे निकाह के बाद
मामूजान से की हुई आपकी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी। आपको मुझसे वादा करना होगा अफ़नान। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं जीऊं या मरूं या जिस हाल में भी रहूं, कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे और ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाएंगे। अगर आपको मेरी ये सारी बातें मंजूर हैं तो मुझे भी आपकी बात मंजूर है। निकाह करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें सही फैसले लेने ही कहां थे? अगर तुमने सही फैसले लिए होते तो आज मेरा बाप जिंदा होता। मार दिया तुमने मेरे बाप। अरे तुमने ढंग से जिंदगी गुजारी होती ना तो आज तुम यहां नहीं अपने घर खड़ी होती, आज मेरा बाप जिंदा होता और आज मुझे तुमसे इतनी नफरत ना होती। रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने।